और सिर्फ जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफ़र नहीं थे, और भी उनके साथ जजेस थे जिनके ट्रांसफ़र आए। रात को सुनवाई हुई दिल्ली दंगों की और उस दिन साइन हो गए महामहिम राष्ट्रपति जी। एक प्रायोजित तरीके से जो यूज़ किया कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये कॉलेजियम की रिकमेंडेशन से होता है, जहाँ लगता है कि अगर एडवोकेट से क्लाइंट की फ़ीस दिलानी है तो हम उसको फ़ीस दिलाते हैं। और बहुत सारे एडवोकेट्स के लाइसेंस भी सस्पेंड होते हैं। आप देखें 10 साल 15 साल के जितने भी केसेस थे, पेंडिंग केसेस की एक लिस्ट बार बार कोर्ट्स को जाती है और कोर्ट्स उन मैटर्स को प्रायोरिटी पे वीक के हिसाब से डेट देते हैं, 15 दिन के हिसाब से डेट देते हैं। एडवोकेट का कहीं पे भी कंडक्ट ऐसा रहा जो उसे नहीं रहना चाहिए, उसका इस तरीके का कंडक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी करने का है, चाहे वो फाइल फेंकने का है, चाहे वो फी लेने का है, चाहे अब्यूसिव लैंग्वेज है, चाहे किसी भी तरीके का है जो एज पर एथिक्स नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिन एडवोकेट्स के पास चैम्बर नहीं है, जिन एडवोकेट्स के पास सीट नहीं है, तो हम लोग इस तरीके का एक प्रावधान लेके आएंगे कि लॉयर्स को कंसल्टेशन रूम हम लोग प्रोवाइड कर सकें। हम डेथ केस में भी, और अगर उसके परिवार को कोई ज़रूरत है, तो हम 2 साल तक 5,000 रुपीज़ पर मंथ उसके स्कूल फीस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए देते हैं, और जिसको अभी हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास करके 5,000 की जगह 10,000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया है। भारत सरकार इस लोगों को एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हर कोर्ट के अंदर। सभी से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप अपने कमेंट ज़रूर देंगे। आपको यदि किसी भी प्रकार से कोई लीगल इश्यूज़ पे मेरी बात, आपको एज ए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी के माध्यम से आपको कोई चीज़ जाननी है या लीगल इशू कोई और जानना है, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। तिरुपति प्रोडक्शन के इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें।